क्यों मैं क्यों ना चलूं? बेबी तू चाहती है ना मैं टीवी पे गाना गाऊं, मुकाबला जीत के आऊं। हाँ यही तो मैं चाहनी हूँ। तो बस आज मेरे को कल्ले जान दे, तू इत्थे रह। हला चल ठीक है, जा तू फिर। आंटी आप टीवी क्यों नहीं देख लेती? मैं आपके लिए टीवी लगा देती हूँ, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। चल जा हूँ, पर ख्याल से रहना, चुन्नी सिर पे रखना। ठीक है बेबी। Da 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 हाय मीरा, कैसी हो? आराम से इधर बैठ जा, ठीक है? अच्छा मिली, ये जो लिरिक्स यहाँ पे रखे हुए हैं वो कहाँ से है? मैंने लिखे हैं, कल याद है हमारे से नहीं लिखे जा रहे थे तो कल रात को बैठकर मैंने खुद लिख दिया। नो वंडर तुम इतनी एक्साइटेड चल रही थी। ये तुमने लिखे? इम्पॉसिबल। मुझे भी शक हो रहा है यार, मिली तो इतने औसम लिरिक्स कभी नहीं लिख सकती। एंड वी ऑल नो उसकी उर्दू कैसी है। किसके चोरी किए? इंटरनेट से। उफ, मरो तुम दोनों, मत यूज करना मेरे लिरिक्स। तुम दोनों अब बैठ कर ना खुद लिरिक्स लिखना। अच्छा मजाक कर रहे थे, तुमसे इतने अच्छे लिरिक्स की उम्मीद जो नहीं है। यहाँ रखो ना प्लीज। क्या याद करोगे? आप मीरा? हाँ। Could you please pass me that laptop? Forget it. Millie, could you please? वैसे मिली, अगर तुमने ये लिरिक्स वाकई में लिखे हैं तो बड़ी कमाल की बात है। आई मीन प्रीटी इंप्रेसिव यार, हमसे तो नहीं लिखे जा रहे थे इतने अच्छे लिरिक्स। अच्छा बातें बंद करो और काम शुरू करो। अच्छा चलो। हारिस, डोंट यू थिंक आई शुड पुट सम लूप एंड देन वी शुड प्रैक्टिस इट? साउंड्स गुड। एंड इट वाज व्हाट? डा 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 da 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 साफ दा सुथरा, या अल्लाह तेरियां शाना हैं। क्या बात है, वाह क्या शाना है तेरियां रब्बा। वे माजे, हा हा की में चला गया तू, खड़ा खलोता है कुछ नहीं सी तेरे नसीब च। इधर देख ना जन्नत बनी वदी है। भा ये क्या पे करें दे हो? अम्मा जी मैं। अम्मा जी ना बोल, नानी दादी याद करा देंगी। अब्बा जी है माली है। तू बहुत असियाना मत बन, छोदा जाना हो बेटा। ये क्या कर दा पे? अब्बा जी मैं सब्जी लगा रहा हूँ, खीरा कद्दू आलू। इवे सब्जी लाई दिया है? ओरे हो मैं कुदे खुरपी अक्कुल ते है नहीं ते कुछ। छोदा जा फड़ा दिशा में को। तबीज किथे है? अब्बा जी बीज उधर है। तबीज लेके आना, अपने वालों बड़ी सब्जी लगानी है ना को शहर वाले को क्या पता। तो तू क्यों डिसे ना पे पानी ले किया? गोड्डी भी सही नहीं कीती होई, इमे थोड़ी करी दे। कद्दू ता खीरा ता आलू, इना को क्या अकल है शोदिया को? जल्दी डिसा मे को बीज। जिंदगी जो कसक रही बेनाम सी बेदर्द सी दर्द को। Of Arsh, इसे बिल्कुल ऐसे ही गाना। It sounds amazing. Really? Yeah, yeah. Promise. It's amazing. Hello, madam. आप please गाना पसंद करेंगी मेरे साथ? क्योंकि मुझे बताया गया आप मेरे साथ गाने आई हैं यहाँ। जी, गा रही हूँ। हाँ, तो गाओ ना।
उर्दू पढ़नी आती है तुम्हें? जी। मीरा ये गाने के बोल हैं, हम धुन बना रहे हैं, ओके? लेट्स गो। अब जैसे मैं गाऊंगा मेरे पीछे रिपीट करना, मतलब मेरे पीछे पीछे बोलना, ओके? जिंदगी जो कसक, जिंदगी जो, मैं जब एक लाइन खत्म करूंगा उसके बाद लाइन बोलना, ओके? बीच में नहीं। जी आपने बोला था आप पीछे पीछे गाओ। मीरा अर्श कह रहा है कि उसे पूरी लाइन गाने दो और फिर तुम दोबारा से वही लाइन गाना, ठीक है? ओके गुड। ओके शुरू करें। जिंदगी जो कसक रही, जिंदगी जो कसक रही, जिंदगी 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 नहीं जिंदगी, ओके शाबाश। जिंदगी जो कसक रही, जिंदगी जो कसक, ये जिंदगी क्या है? मैंने जिंदगी बोला है, जिंदगी बोलो, जिंदगी जिंदगी, दोबारा जिंदगी जिंदगी, हाँ शाबाश, ठीक है। जिंदगी जो कसक रही, जिंदगी जो, आगे चलते हैं, ये बोले। बेनाम सी बेदर्द सी, बेनाम सी बेदर्द, दर्द क्या होता है? दर्द, मैंने दर्द बोला है, दर्द दर्द, हाँ बेदर्द सी को दर्द, दर्द, बेनाम सी बेदर्द सी, बेनाम सी बेदर्द सी, मैं पागल हो जो, तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं? मेरे को तुझे ऐसी हद है। अर्श काम डाउन, इट्स हर फर्स्ट डे, उसे थोड़ा सा टाइम दो, सीख लेगी वो। मीरा तुम ना बोल को उस तरह गाओ जैसे अर्श गा रहा है और फिर उसी तरह गाने की कोशिश करो, ओके? ओके चलो लेट्स स्टार्ट अगेन, कम ऑन, अब गौर से सुनना, ओके? जिंदगी जो कसक रही, बेनाम सी बेदर्द सी, उस दर्द को उस गर्द को भूल जाओ ना। जिंदगी जो कसक रही, बेनाम सी बेदर्द सी, उस दर्द को उस गर्द को भूल जाओ ना। जिंदगी एक गर्द सी। या अल्लाह इतना बड़ा बावर्ची खाना, तो इतनी चीज़ा, हाय मैं मर गई। कुछ चाहिए तुम्हें? चाय पीनी है, पत्ती चीनी किथे है? अच्छा बैठो मैं देती हूँ चाय तुम्हें। इतना चीज़ा तुम लोगों के पास है? या अल्लाह तेरी शान नान भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है, बल्ले तो मैं बहुत थक गई हूँ। इतना काम करके आई थोड़े बगीचे विच, थोड़े माली को तो कख भी नहीं आंदा। हफीज हमारा बहुत पुराना माली है। खे पुराना माली है, मैं ओदी बेगम हूँ तो कदी कड़ के बार मारा, शुदा कम भी नहीं आंदा, को खुरपी चलानी नहीं आंदी, तो माली किस बात का? ये क्या कर रही है, क्या करेंदी पई है? ये तवीज है इधर बीच, तू मेरे को तवीज भी आ रही सी? चाय की पत्ती है। जा रहन दे, इतनी भोली नहीं हूं मैं, मेरे को सब समझ आंदी है। उन लंबे बाला वाले लड़के ने क्या होना है ना, मामा धिया को तवीज पिया के दफा कर दो तो मेरी मीरा दी आवाज को लो सड़दा है। ये चाय ही है और कोई तुम पे जादू नहीं कर रहा। और बात सुनो, तुम ये बात किस तरह से कर रही हो? इस तरह से गालियां नहीं देते, बुरी बात, यहाँ लोग बुरा मनाते हैं। हला हला पी लेनी है चाय, कच्ची चाह, चाह भी नहीं बनानी आती तुमको। शोधी को तो कुछ आना नहीं, चल हट। कितना घर तो बड़ा सोना, पर चाह की तमीज नहीं किसी को। यार आई थिंक आज हम तलफ़ुज़ को रहने देते हैं, बेहतर है कि हम मीरा से गाना प्रैक्टिस करवा लें। या आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। हैज यू विश गाइस, लेकिन लूप तो लगाना पड़ेगा ना, उसको टेम्पो भी तो समझाना है। शी शुड नो व्हेन टू एंटर अ सॉन्ग। ओके
मेरा गौर से सुनना, जहां से मैं गा रहा हूं वहां से गाना, ओके? And 1, 2, 3, 4. जिंदगी जो कसक रही बेनाम सी बेदर्द सी, उस दर्द को उस गर्द को भूल जाओ ना, ओके? 1, 2, 1, 2. जिंदगी जो कसक रही, कब उठाना है उससे सुनो, 1, 2, 1, 2, 3, 4. जिंदगी एक गर्द सी, ओके? रेडी, 1, 2, 1, 2. जिंदगी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, टेम्पो नहीं पकड़ा जा रहा तुमसे. मेरे को तुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे. मैं तो पर्शियन बोल रहा हूँ ना जो तुम्हें समझ नहीं आ रही. अर्श, इतना इरिटेट होने की कोई जरूरत नहीं. अच्छा मिली, हाउ डू यू थिंक इट्स गोना वर्क आउट? ना उसका तलफ्फुज ठीक है, ना उसे टेम्पो पकड़ा जा रहा है. आई डोंट नो व्हाट यू थिंकिंग. यू गाइस कैरी ऑन, आई एम गोना टेक अ ब्रेक. जेबो पुत्र, कमली होगी, बारिश देख कितनी तेज है, यहाँ क्या कर रही है? आजा अंदर चलें। अब्बा मैं रस्सी कूद रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है. तेरी बात सुन, तू मेरी बात मानेगी ना तो मैं तुझे मजे मजे की चीजें खुआऊंगा, एयरक्राने भी लेके चलूंगा. सच्ची अब्बा, पक्का बोल रहे? पक्की बात है, क्यों नहीं, जाओ अंदर. आजा 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 आजा. अब्बा तू दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? बारिश का पानी अंदर आएगा ना, इसलिए बंद कर रहा हूं. आजा यहां बैठ. अब्बा तूने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया है? छोड़, मुझे दर्द हो रहा है. अब्बा छोड़. चुप. बहुत दर्द है, तूने आवाज निकाली तो बहुत. साजिदा क्या हुआ, क्या गिरा? अरे ये क्या? मैं अभी साफ कर देती हूँ बाजी, एक मिनट में. तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चेहरे का रंग क्यों सफेद हो रहा है? पता नहीं बाजी जी, ऐसे कोई दिल घबरा सा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दिल बैठ ही गया. तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे साजिदा. मैं ठीक हूँ बाजी जी, वो शायद बारिश की वजह से दिल घबरा रहा है. बारिश में मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, पता नहीं क्यों भाजी जी, बस मुझे तो लगता है बारिश के साथ साथ मेरे साथ भी कुछ बुरा होने वाला है. अल्लाह ना करे, अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखो. घर में खामिद और बेटी ठीक है ना? सब खैर है, अल्लाह का करम है भाजी. तुम ये सब छोड़ो, बस अब छुट्टी करो, घर जाओ. पर भाजी ये सारा, बस तुम घर जाओ. बड़ी मेहरबानी भाजी जी. ओए बंद कर अपनी दीदी, सुना नहीं तूने मैं कह रहा हूँ? चुप कर जा. चुप. बर्दार अब तेरी आवाज निकली ना, बस मेरी. और जो कुछ भी हुआ ना, अपनी माँ को या किसी और को तुमने बताया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. छुरी देखी बोर्ची खाने में वट्टी वाली, देखी है ना? पहले तेरी जबान काटूंगा, फिर तेरी गर्दन. कीमा बना दूंगा मैं तेरा. इतना भी नहीं हुआ कि बारिश में
पीढ़ियों को और मूडों को ही उठा लेती, सारा कुछ चिकड़ो चिकड़ी हुआ पिया। तो बस लड़की को फुर्सत हो ना अपने खेलों से तो फिर ये कुछ करे भी। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तुझे क्या हुआ है? खैर तो है? कुछ भी नहीं हुआ है मामा जी। तो जब कुछ नहीं हुआ तो फिर ये चेहरे पे बारह क्यों बजे हुए हैं? बता, क्या कुछ जिन भूत देख लिया तूने? समझ गया मैं, घर में अकेला था, बारिश भी बहुत तेज थी, हैं? डर गया हूँ मैं, बहुत डर गया था। अब मुझे घर में कल्ला ना छोड़ के जाना। चल लिया, अब नहीं छोड़ के जा रहा तेरे पास, डर मत, पहले ही आ जाता मैं, बारिश बहुत तेज थी, बारिश रुकी है तो मैं तेरे को आ गया। चाची, हाँ मैं समझ गया, तू मीरा और अप्पा को याद करके उदास हो रहे है ना? तेरी बात कराऊं उनसे? पर गाल करेंगे कि मामा जी, आपा मीरा दे कोल ते मोबाइल ही नहीं है। ठीक है, तो हिंज करने आ, ये दोवे मिली दे कोल हो सन, असि मिली को फोन करने आ, वो साड़ी गाल करा देवे की। तो फिर हिंज कर, तो मिली को फोन ला। क्या हो गया है? बुखार काम नहीं हो रहा इसका इम्तियाज। दवाई पिलाई है तूने? दी है, मैंने तो हर दफा वक्त पे ही दी है। दो चार खुराकें देगी ना तो उतर जाएगा बुखार। वो सारा दिन बारिश में नहाती रही, मैंने मना भी किया था, तभी तो इतना ताप चढ़ गया इसको। हाय हाय, मुझे तो इसकी परेशानी में किसी चीज का होश ही नहीं रहा, मैंने तो रात की रोटी भी नहीं बनाई है, तुझे तो भूख लगी होगी। वो छोड़ तू, खाने की फिक्र ना कर, इसका ख्याल रख तू, जब इसको कुछ होता है ना तो दिन में होक उठती है मेरे। मम्मी जी, मम्मी जी, अब्बा नहीं, अब्बा नहीं। बस बस कासे बो, बस मेरा पुत्र। मुझे लगता है इसको नजर लग गई बेचारी को। मैं मौलवी साहब के पास जाता हूँ, जाके तवीज लेके आता हूँ, ये गले में पहनेगी तो ठीक हो जाएगी। ठीक है। और सुन, तू खाने पीने की फिक्र ना कर, तेरे लिए भी कुछ ले आता हूँ यहीं पे। तो मुर्ग छोले खाएगी तू गरम नान के साथ? ले आता हूँ। मीरा, तुम अर्श की किसी बात का बुरा मत मानना, वो बोलता ही ऐसे गुस्से से, वो गुस्से का थोड़ा तेज है बट दिल का बहुत अच्छा है। नहीं जी, मैं गाना ही गलत गा रही थी, इसीलिए वो नाराज हो रहे थे। मेरे को नहीं लगता मैं आप लोगों के साथ गा सकती हूँ, मेरे को तो आप लोगों के गाने बजाने की चीजें ही समझ में नहीं आती। मीरा, तुम सब कुछ सीख लोगी, तुम इतनी टैलेंटेड हो, बस तुम परेशान मत हो, तुम्हें सब आ जाएगा, आई प्रॉमिस। अच्छा ये बताओ, आज तुम्हारी अपने मामा जी से बात हुई थी ना, घर पे सब खैरियत है? तुम्हारा छोटा भाई कैसा है? जी मामा जी और जाजा बिल्कुल ठीक है, वो जाजा परेशान हो जाता है, ऐसे रहा नहीं ना कभी मेरे और बेबे के बगैर, मोबाइल फोन भी नहीं है तो बात नहीं होती, इसलिए उसने आपके मोबाइल पे फोन किया था। आपको बुरा तो नहीं लगा? ओहो, कैसी बातें कर रही हो, मुझे क्यों बुरा लगेगा?
मैं तो समझी कि यहाँ आके तुम्हारी बात हो गई होगी। अगर मुझे पता होता कि नहीं हुई तो मैं तुम्हारी खुद कल ही बात करा देती। ये मोबाइल क्यों जी? इस्तेमाल करो इसे। तुम घर से इतनी दूर आई हो तो मोबाइल तो होना चाहिए ना तुम्हारे पास। ये बहुत सिंपल सा सेट है, तुम आसानी से समझ जाओगी। नहीं जी, मैंने फोन की बात इसलिए नहीं की थी। मुझे पता है इसलिए नहीं की थी, मैं तुम्हें दोस्त समझ के दे रही हूँ मीरा। बहुत मेहरबानी जी, मैं ये मोबाइल फोन नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? दोस्तों से तो छीन कर चीजें ली जाती हैं। जैसे मैं, अर्श, हारिस और फरवा तो एक दूसरे से पूछे बगैर ही चीजें ले लेते। ले लो यार, कौन सा मैं तुम्हें कोई ब्रांड न्यू सेट दे रही हूँ। एक और है मेरे पास। आपकी मेहरबानी जी, लेकिन मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। आप तुम मीरा, मैं तुमसे इतनी बड़ी तो नहीं हूँ। मुझे मिली कहा करो, तुम कहा करो। आप कहती हो ना तो मुझे लगता है मैं कोई बूढ़ी सी आंटी हूँ। ठीक है, सो गई है सुकून से? हाँ सो तो गई है, पर बुखार नहीं हल्का हुआ इसका। तो ये दूध पी ले और इसकी फिक्र ना कर, बुखार कम हो जाएगा। पकड़। मेरे लिए? हाँ। पर मैं तो भली चंगी हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अभी तेरे साथ बैठ के तो रोटी खाई है मैंने। और पी ले, कोई बात नहीं, थोड़ी ताकत आ जाएगी। मुंह देख, अपना लथ गया एक ही दिन में। चल शाबाश, अपना ख्याल रखेगी तो इसका ख्याल रख सकेगी ना। मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था तो ज़ेबो से इतना प्यार करता है। जब से ये बीमार हुई है तो मुझे पुराना वाला इम्तियाज लगने लगा। ख्याल रखने वाला, प्यार करने वाला, फिक्र करने वाला। और प्यार मैं अब भी करता हूँ, बंदा बशर हूँ, कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है। ये मर्द हो ना, थोड़ा बहुत गुस्सा तो चढ़ता ही है। चल पी ले शाबा। मीरा आजा आजा, रोटी लग गई है, आजा। क्या बात है, माशाल्लाह। जल्दी नाला देखता सही क्या क्या है। तेको क्या बढ़िया है, इवे क्या सोच दी पई है? बेबे, मैंने आज बड़ा ही बुरा गाना गाया। मेरे को इन लोगों की कोई गल ही समझ नहीं आती, गाना कैसे गाऊं? छड़ परे, इवे फिकर क्यों करनी है, सब कुल अच्छा गानी है तू। हाँ माशाल्लाह, तो जड़ा चिच्चड़ है उन्हें तो बहुत चंगा गानी है। बेबे वो तेरी गल सुन लेना तो पता नहीं क्या करे, बड़ी चीज समझता है अपने आप को। समझदा तो समझदा रे, खसमा नु खावे सानू क्या गुड़। पर बेबे मेरे को इनके गाने बजाने के बाजे ही समझ नहीं आते, गाना कैसे गाऊं? इन्हें अपने दिल को रोग ना लाया कर, तो क्यों परेशान होनी है? पेट भर के खाना खा ले, भूल जा सारी गल्ला। तू सब नालो अच्छा गानी में ते को आख दी पई है। आई तो देख मुर्गी कितनी मजेदार है। आई हो रजिया तो चली गई, नहीं तो सा को टीवी ला देंदी। सा को तो टीवी भी नहीं लाना आंदा। मैं लगाती हूं। हैं, ते को टीवी लाना आ गया? हां। देख तू कितनी अकलमंद है, इतनी ज़हन वाली है मेरी बच्ची, एक दिन दे विच टीवी भी लाना सीख लिया। ते नाले हूं तो जड़ा होदी जई है, मैं को ते हाली डब्बा ते बाल्टी ते डूंगे दी पई हुई, तू तो उंदे विच खलो के नहाना भी सीख गई है। बेबे वो मिली उसको टप कह रही थी। हां, क्या कहंदे ने टप 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 में। और वो डब्बा था ना, साको समझ नहीं आ रहा था क्या है। वो एसी है ना, एसी। तूने देखा था ना मिली के गाने वाले कमरे में कैसे ठंडी हवा आ रही थी, उधर एसी है। हाँ, मैं भी क्या, मेरे को हो क्या गया है, क्या थी गया है। हूं तो कमरे च बैठी हाँ, थोड़ी देर दे विच मेरे को तो कमनी छुड़ गई। हूं एसी है, ठंडी हवा वाला, क्या बात है। मैं क्या लमिया, एकदम ही मौसम चंगा कर देता है। अच्छा चल छड़ ना, इन्हें सोची नहीं पैदा होता। देख तो सही क्या क्या है, ही कुकड़ भी है, तहू चावल। हाय ज्यादा ना मुराद, मेरे को याद आंदा पिया बहु, भुक्का भाना तो बीबा राणा, मेरे बच्चे को कितनी पसंद है चीजा। चल अच्छा चल, तू तो ले ना ही, हूं फड़ा। अम्मी जी, अम्मी जी मुझे बचा लो, अम्मी जी, अम्मी जी मुझे बचा लो। क्या हुआ? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। पुत्र क्या
खोल के डर गई है सोते में। चल जल्दी से तू शबा कलमा पढ़ ले, आराम से सो जा, डरने वाली कोई बात नहीं मेरी दी। चल सो जा पुत्र, मैं इधर ही हूँ तेरे पास। सजना वे सजना मैं तेरे कोल आना, सजना वे सब कुछ छोड़ के मैं आना है सजना। ओके 1 2 3 नाउ। सजना मैं तेरे कोल आना, सजना वे सब कुछ छोड़। तुम छोड़ दो यार, तुम्हें कल की एक बात समझ नहीं आ रही। कोई बात नहीं आयश, उसे समझ आ जाएगी, रिलैक्स। ये सीखेगी कि नहीं सीखेगी मिली, जो मुझे आता है मैं भी भूल जाऊंगा। अभी इससे नहीं गाया जा रहा, ये माइक और हेडफोन पे क्या करेगी? अर्श, गिव हर सम टाइम, शी विल गेट इट, रिलैक्स। ये तुम्हारी विशुअल थिंकिंग हो सकती है मिली, इसके लिए लिरिक्स चेंज कर दिए, इसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, बट शी जस्ट डजंट गेट इट। शी इज नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस यार। अरे क्या बात है तुम्हारी यार नजीर, कॉफी का बड़ा मूड हो रहा था यार। चलो गाइस लेट्स टेक अ लिटिल ब्रेक। मीरा तुम भी थोड़ा सा कॉफी पी लो। अम्मी जी से बोट कहीं लगता से बो उठ गई मेरी थी। अम्मी जी क्या हुआ ज़ेबो? मेरे पास से नहीं जाना अम्मी जी, मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ गई थी? यही तो हूँ तेरे पास घर में, हांडी बना रही थी बस, तेरे लिए भी लाओ रोटी है? फिर दवाई भी तो खानी मेरी बच्ची ने। चल थोड़ी सी हिम्मत कर, आ मैं तेरा हाथ मुंह धुला दूँ, आ उठ। ये निशान कैसे लगा तेरे, दिखा चोट लगी है तुझे? बारिश में खेलते हुए लगाई होगी तूने ये चोट, इसीलिए मना करती हूँ ना तुझे बारिश में नहाने से। एक तो बुखार चढ़ा लिया, दूसरा चोट भी लगवा ली, हद करती है तू भी। सज्जो इधर हूँ। क्या तुम दोनों माँ बेटी गुड़ियां डाल के बैठी हुई हो? ये ले। ये तू क्या उठा लाया है? मैं तो समझी तू अभी दुकान पे बैठा हुआ है। हाँ थोड़ी देर के लिए कर्मे को बैठा के गया था दुकान पे, अपनी निक्की शहजादी के लिए फल फ्रूट लेने गया था, और देसी चूचा भी लेके आया इसके लिए, यखनी बना इसके लिए, सेहत सु ठीक कर इसकी, कमजोर लग रही है मुझे। हुआ क्या है? बस बुखार नहीं उतरा अभी। ताप उतरा कि नहीं? हल्का है बस। चल मैं तेरे लिए यखनी बनाऊं, थोड़ी सी तो खाएगी ना है? चल दोपहर की रोटी खा ले, थोड़ी सेहत बन जाएगी तेरी भी। अर्श चले रेडी हो? ओके विल कम फ्रॉम द ब्रिज पार्ट। हाँ अब जरा सुनना गौर से मैं कैसे गा रहा हूँ, जहाँ से मैं उठाऊंगा वहीं से तुमने उठाना। ओके जिया रे जिया तड़पे, जिया रे जिया तड़पे, जिया रे जिया दर्द मेरा, न पाए कहीं पाए न पाए न कहीं पाए न पाए न कहीं चैन मेरा। जिया जिया तुमने ये लाइन नहीं गानी, तुमने गानी है हीर बन के मैं, दिस इज माई लाइन। ओके तुमने अपनी लाइन गानी है जहाँ से मैंने कहा। ओके एक बारी दोबारा करते हैं।
जिया रे जिया थड़ पे जिया रे जिया थड़ पे जिया रे जिया दर्द मेरा ना पाए कहीं पाए ना पाए ना कहीं पाए ना पाए ना दिल चैन मेरा हीर बन के मैं आना फिर मैं किते नहीं जा आयश क्या हो गया बहुत हो गया तमाशा मिली है बहुत हो गया ये मुसीबत कहां से लाके डाल दी तुमने मेरे सर पे सर दर्द बन गई है लड़की आवाज अच्छी है अचार डालूं आवाज का मैं अर्शद प्लीज काम डाउन आज बहुत हो गया लेट्स जस्ट पिक दिस अप टुमारो यार इसने कितने भी दिन प्रैक्टिस करा लो इसने ऐसे ही गाना है हेलो बीबी इधर देखो साफ साफ बताओ हमारे साथ गाना है कि हमारा वक्त जाया करने आई हो अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो बोलो स्टॉप इट आयश बहुत हो गया है बहुत हो गया मिली यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं बहुत हो गया तुम अपने एडवेंचर और थ्रिल के चक्कर में इसको पता नहीं कहां से उठा लाई हो इसको अभी के अभी वापस भेजो मीरा मीरा मेरी बात एक सेकंड सुन लो आयश तुम्हें हो क्या गया है तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें मीरा से इस तरह बात नहीं करनी थी यार तुमने उसको बहुत इंसल्ट किया है फॉर गॉड सेक यार गलत गा रही थी उस पे टोका और क्या करता तो इसका मतलब है तुम उससे बदतमीजी करो वो मेरी मेहमान है मैं उसे यहाँ लाई हूँ तुमने उसके साथ साथ मेरी भी इंसल्ट की है अब तुम उस लड़की के लिए मुझसे लड़ोगी अपने बचपन के दोस्त से हाँ लड़ूंगी मुझे तुम जैसे दोस्त अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए यू आर सो प्रिटेंशियस अर्श अगर मीरा की जगह कोई हमारे बैकग्राउंड की लड़की होती ना वो चाहे जितना भी बुरा गाती तुम कभी उसे इस तरह बात ना करते आई मीन जस्ट बिकॉज मीरा एक गांव से आई है और उसके पास पैसे नहीं है इसका ये नहीं मतलब कि तुम उसे इस बुरे तरीके से बात करो आई मीन इट्स डिसगस्टिंग अर्श फॉर गॉड सेक मिली अब तुम खामखा इसको इमोशनल बना रही हो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा तुम्हारी सेंट हीरोइन इतना बड़ा सीन क्रिएट कर रही है मैंने कुछ गलत कहा हारिस नहीं गलती तो मान लो यार तुमने से बहुत बदतमीजी से बात की है यार इट्स नॉट फेयर आई थिंक यू शुड अपोलोजाइज टू हर आर यू सीरियस आई शुड अपोलोजाइज टू हर वो गलत गा रही थी उस पे टोका मैंने उसको और ये मिली है जो इसको सोशल बैकग्राउंड और फैमिली बैकग्राउंड पे लेकर जा रही है एंड यू बोथ यू डोंट ट्राई टू मेक मी फील गिल्टी बिकॉज ऑफ नथिंग व्हाट्स रॉन्ग विद हिम ये अच्छा गिल्टी फील कराया इन्होंने मुझे मेरी बात में स्टेटस और एजुकेशन का जिक्र कहां से आ गया क्या गलत गाने पर इन मोहतरमा को डांटना भी नहीं मैं नहीं बुझा रहा माफी शक्ति मांगने बस खाली बात क्लियर कर दूंगा कि कोई डाउट ना रहे मिली और आरिस को कि मैंने स्टेटस की वजह से कुछ बोला इस मीरा को लो जी मोहतरमा यहां बैठी है बात सुनो जी क्या हुआ क्यों रो रही हो मेरी बातों की वजह से नहीं नहीं जी तुम गलत कह रही थी इसलिए डांटा तुम्हें नहीं नहीं आप तो ठीक बोल रहे थे मेरे को गाना नहीं आता मैं बेबे को बोलूंगी आज यहां से चले मैंने तुम्हें यहां से जाने को तो नहीं कहा मैं तो जी यहाँ आना ही नहीं चाहती थी बेबी और मिली जी को बोला था मैंने मेरे को आप लोगों जैसा गाना नहीं आता सिर्फ उनको ही लगता है कि मैं अच्छा गाती हूँ मैं तो जी गरीब घर की हूँ आप लोगों जैसे थोड़ी मेरे को पता है मैं और आप में बड़ा फर्क है हम तो पैसों के लिए शादियों पे गाने बजाने भले मिरासी और भांड है तो मिली जी की मेहरबानी है मैं को यहाँ ले आई वरना हमारा आपका क्या जोड़ वो आपकी जिन सहेली की जगह मैं को यहाँ लाई है मैंने उनका गाना देखा था वो क्या चीज थी आईपैड आईपैड कहते हैं जी वही
वो तो जी बहुत अच्छा गाती हैं, मैं तो सिर्फ शादियों पर गाना बजाना ही कर सकती हूँ। मीरा, मैं तुम्हें सॉरी बोलने तो नहीं आया था, लेकिन इस तरह की बातें करके तुम मुझे बहुत शर्मिंदा कर गई। जी मीरा, तुम बहुत खूबसूरत और सुरीला गाती हो। मैं क्या कोई भी शख्स तुमसे तुम्हारा फन नहीं छीन सकता? मुझे एहसास ही नहीं था कि तुम्हारा मेरी बातों से, तुम्हारे फन से एतमाद ही उठ जाएगा। इसका मुझे बहुत अफसोस हो रहा। वो लड़की जिसने अपने घर में मुझे पंजाबी में ठीक ठाक सुनाई थी, वो यहाँ आकर लो एस्टीम और जीरो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाएगी। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। हमारा कंपटीशन में बहुत कम दिन रह गए मेरा, और हमारा गाना भी तैयार नहीं है। लड़की जो मेरे साथ गाती थी वो भी अचानक छोड़ के चली गई। इस बात का भी बहुत गुस्सा है मुझे। वही सारी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा तुम पर निकाल दी। लिहाजा मैं खुद तुम्हारे सामने बैठकर बाज़ाब्ता तौर पर तुमसे माफी मांगता हूं, और ये चाहता हूं कि तुम हमारे साथ रहकर यहां गाना गाओ। क्या तुम मेरे कहने से रुक जाओगी?